बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप यू ऑल आर ऑलराइट एंड योर पेरेंट्स आल्सो। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ब्लेस यू एंड योर पेरेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ कॉम्प्रिहेंशन, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। द कॉम्प्रिहेंशन मीन अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी थिंग। सो लुक दीज इंस्ट्रक्शन, फॉलो इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व पैसेज। आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आपका पैसेज बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। रीड पैसेज ट्वाइस और थ्राइस, अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स, कंसल्ट फ्रॉम डिक्शनरी दोज डिफिकल्ट वर्ड्स, राइट मीनिंग्स ऑन देम। इन इंस्ट्रक्शन को ऐसे ही फॉलो करना है। पहले पैसेज को गौर से पढ़ना है, मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन कर लीजिए, डिक्शनरी से मीनिंग्स देखिए और दोबारा उसके ऊपर लिखते हैं मीनिंग्स। रीड पैराग्राफ अगेन ट्वाइस एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू कॉम्प्रीहेंड इट केयरफुली। अब दोबारा पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। राइट डाउन मेन पॉइंट्स ऑफ पैसेज ऑन पेपर। अब मेन पॉइंट्स पैराग्राफ के पैसेज पर लिख लें। मेक अ समरी इन योर माइंड एंड राइट ऑन पेपर। अपने जहन में उसकी एक समरी या खुलासा बनाएं, उसको पेपर पे लिख लें। रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की सेंस, उसका मफहूम समझने की कोशिश कीजिए। क्या पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है। आंसर विद द हेल्प ऑफ दैट समरी इन सेम टेंस, उसी टेंस में जिसमें सवाल पूछा गया है, उस समरी में से आंसर तलाश करें, आंसर बनाएं और दे दें। एट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू प्रूफ रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस आंसर्स। सवाल और जवाब दोबारा से पढ़ें कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस पैसेज अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शंस। बट फर्स्ट बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस, फर्स्ट रीड दिस। पहला पॉइंट ही हमारा रीडिंग था। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 10। Newspapers keep us constantly in touch with the whole of mankind. In old days, a man's world consisted of his own village and one or two neighboring villages. It was difficult for him to know what was going on in the other parts of the country. But today, the press, assisted by rapid means of communication, bring us news from the farthest corners of the globe. The press is also responsible for educating public opinion. The laws of a nation are really shaped by its press. In fact, the public receives guidance from the newspapers. Thus, their power in the modern times is undeniable. So I read this paragraph and also I underlined difficult words. Same as you must underline the difficult words. Now look at these difficult words. Difficult words of the passage. मैंने इनको निकाला और उनकी meanings आगे लिखती हैं। Constantly, मुस्तकिल, whole, सारी की सारी या तमाम की तमाम। So you must read these difficult words by on yourself. And then after that, look at this. रीड द पैसेज अगेन। अब दोबारा पैसेज को पढ़ें और मैंने उनके डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपने पीछे मीनिंग्स देखे उनको दोबारा अंडरलाइन कर दिया और उनको हाईलाइट भी कर दिया। आप भी करें। सो न्यूज़पेपर कीप अस कॉन्स्टेंटली इन टच विद द होल ऑफ मैनकाइंड। नाउ द ऑल हाईलाइटेड वर्ड्स, यू नो वेरी वेल अबाउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। अब जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ये आपके लिए आसान होगा। अब इसके लिए अंदर कोई मुश्किल नहीं, कोई हर्डल्स नहीं है। अपने ऑल हर्डल्स को आसान बना लिया मीनिंग्स देख के। तो जब इस पैराग्राफ को आप दो दफ़ा पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से सेंस क्लियर होगी। इफ़ यू क्लियर योर सेंस, इफ़ यू कॉम्प्रिहेंड दिस पैराग्राफ क्लियरली केयरफुली, नाउ फोकस ऑन दिस एक्टिव, फोकस ऑन दिस दैट फाइंड आउट द मेन पॉइंट्स ऑफ द पैसेज। मैंने भी कुछ मेन पॉइंट्स निकाले हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट न्यूज़पेपर्स कनेक्ट्स अस विद होल ह्यूमैनिटी। ये पूरी इंसानियत से हमें जोड़ देता है। वेरी गुड। इन ओल्ड एज मैन हैड लिमिटेड सर्कल। इंसान का सर्कल बड़ा लिमिटेड था पहले वक्तों में। जस्ट ऑन विलेज एंड नेबरिंग विलेज, भी बस वो अपने विलेज से ताल्लुक़ रखता था, इर्द गिर्द के अपने दो हमसाया देहातों से ताल्लुक़ रखता था।
ही वॉज अनअवेयर अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वो दुनिया के दूसरे हिस्सों से अनअवेयर था, आगाही नहीं थी, वो जानता नहीं था. टुडे प्रेस असिस्टेड अस ब्रिंग न्यूज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड. आज प्रेस ने हमारे लिए खबरें लेके आ रही है पूरी दुनिया से. इट इज़ ऑल्सो मेकिंग पब्लिक ओपिनियन. ये पब्लिक राय आमा भी बना रही है. द लॉज ऑफ नेशन आर मेड बाय इट. कौम के कवानीन भी इसके ज़रिए बन रहे हैं. द लॉज ऑफ नेशन आर मेड बाय इट. वी गेट मैसेजेस फ्राम इट. हम इसके ज़रिए पैगाम हासिल करते हैं. इट्स पावर इज़ अनडिनाइबल. इसकी ताकत का इनकार नहीं किया जा सकता. इज़ इट क्लियर दीज मेन पॉइंट्स. और इन मेन पॉइंट्स की मदद से आप अपनी समरी बना सकते हैं. आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ के इन्हीं मेन पॉइंट्स की मदद से आंसर्स दे सकते हैं. लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चंस. रीड क्वेश्चंस केयरफुली. क्वेश्चंस को भी गौर से पढ़ना होता है. ये नहीं कि सिर्फ पैसेज को पढ़ा और बस दैट्स ऑल. नो, तो मैंने क्वेश्चन के कुछ मेन पॉइंट्स भी हाईलाइट किए हैं ताकि आपको समझ. व्हाट गुड डू द न्यूज़पेपर डू टू अस. क्या अच्छाई, क्या अच्छा काम कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स हमारे लिए. व्हाई इन ऑर्डर डी इन ओल्डर डेज मैन कुड नॉट नो वट वॉज गोइंग ऑन इन फार ऑफ प्लेसेस. पुराने वक्तों में इंसान को क्यों नहीं पता चल सकता था कि दूसरी जगहों पर या दूर दराज इलाकों में क्या हो रहा है. वट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेस टूडे. आज के दौर में ये छापा खाने जो हैं, ये जो प्रेस है, इनकी क्या जिम्मेदारी है. तो जिम्मेदारी और प्रेस दोनों को हाईलाइट किया हुआ ताकि आपको पता चल जाएगी ये हमारे फोकसिंग पॉइंट्स हैं. हाउ आर द लॉज ऑफ नेशन शेप्ड ऑन शेप नाउडेज. आजकल के दिनों में How are the laws of nation, कैसे कौम के कवानीन बनते हैं आजकल. How are newspapers a source of public guidance, कैसे अखबारात जो हैं वो आवाम की रहनमाई का ज़रिया बनती हैं. And what is your opinion about the power of press. ये एक जनरल क्वेश्चन है कि आपकी क्या राय है, आप प्रेस की पावर के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, इसकी कितनी पावर है. सो यू नो वेरी वेल अबाउट दिस दैट कि आजकल कितना ज़्यादा हम अखबारात के ज़रिए काम कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कितना दुनिया को घूम रहे हैं. इन इस प्रेस ने, इस मीडिया ने एक दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया, एक गांव की तरह बना दिया है कि आप हर तरह के दुनिया के किसी भी खित्ते की इंफॉर्मेशन रखते हैं. सो दीज आर सम दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू आल्सो. यू मस्ट रीड द पैसेज केयरफुली, अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स एंड देन मेक आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन. इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू थ्रू दीज पॉइंट्स. सो You must focus on these points and then read it again and always read passage according to those points. Hamesha un points ko samne rakh ke kijiyega. Wish you all the best. Allah bless you all. Take care.